हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? यस। जैसा कि पिछले वाली वीडियो में अपन ने 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन किया था, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम 3.2 एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद हम मिसलेन एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो देखते हैं 3.2 का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें लिखा हुआ है कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है cos alpha, sin alpha, minus sin alpha, cos alpha। ये गिवन है, तो प्रूफ करके आपको ये बताना है कि a की पावर n, ये होता है cos n alpha, sin n alpha, minus sin n alpha और cos n alpha। यहां a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें आप एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके चार एलिमेंट अंदर लिखे हैं, यानी 2×2 ऑर्डर की है। अब यहां देख सकते हैं वही मैट्रिक्स जहां a लिखा हुआ है, तो देखो अंदर भी n आ रहा है, तो ये गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। तो इसको सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। एक तो इस तरह से करेंगे कि ये a मैट्रिक्स की a इक्वल जो भी दे रखा वो अपन यहां लिखेंगे। अब यहां a की पावर 1 है, तो देखो यहां cos 1 sin भी 1 या sin 1 cos 1 1 1 दिख रहा है, मतलब 1 alpha 1 alpha दिख रहा है। फिर हम क्या करेंगे, n की जगह अलग अलग वैल्यू लेंगे, n की जगह 2 लेंगे, n की जगह 3 लेंगे, इस तरह से। तो n की जगह अगर मान लो 2 लेते हैं तो ये हो जाता है a स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं a डॉट a, तो इसका मतलब ये हुआ है कि यहां आपको a मैट्रिक्स जो दे रखी है वो आपको दो बार लिखनी है और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है। इसका जो मल्टीप्लाई आएगा और मल्टीप्लाई आने के बाद जो अंदर जो एलिमेंट आएंगे, यहां पावर 2 है तो यहां वैल्यू cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा ये वैल्यू आएगी। इसी तरह हमें एक बार और अगर प्रूव करके देखेंगे, n की जगह 3 लेंगे, फिर a 3 बनेगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे a स्क्वायर डॉट a, a स्क्वायर के लिए याद हुआ ये यहां लिखेंगे, a आपकी गिवन मैट्रिक्स है वो लिखेंगे और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो हम देखते हैं कि अंदर 3 लेने पर यहाँ cos 3 alpha आएगा, sin 3 alpha आएगा, यहाँ sin 3 alpha और यहाँ भी cos 3 alpha आएगा। इस तरह से अपन n का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो एलिमेंट भी हमें उसी इंटीजर की फॉर्म में cos sin के साथ एंगल की फॉर्म में मिलता है। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस होता है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपको मैंने 11 क्लास में पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 4 था। उसमें किसी भी स्टेटमेंट को अगर आपको प्रूव करना है, ट्रू करना है कि वो ट्रू एंड फॉल्स है, इसके लिए जो रूल्स अपनाते हैं, जो प्रिंसिपल देते हैं, उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस मेथड में, इस प्रिंसिपल वाले में आप तीन चीज इक्वल करते हो, तीन चीज आप प्रूव करते हो। जैसे सबसे पहले n इक्वल 1 लेते हो तो उस समय आप चेक करते हो कि भाई वास्तव में n इक्वल 1 के लिए ये सही है कि नहीं है। दूसरी स्टेप क्या होती है, n इक्वल आप k लेते हो तो वहां आप इमेजिनरी करते हो। और तीसरा पॉइंट होता है प्रूफ, तीसरा आप प्रूफ करते हो जहां n इक्वल k प्लस 1 लेते हो। तो यहां इसी क्वेश्चन में हम n इक्वल 1 लेंगे, n इक्वल k लेंगे और n इक्वल k प्लस 1 लेंगे और हम आगे से आगे इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जो हमने 11 क्लास में पढ़ा था। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी ये दिया हुआ है a की पावर n, ये हमने यहां लिखा, इसको pn से रिप्रेजेंट करेंगे। pn एक मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, स्टेटमेंट होता है। सबसे पहले यहां n इक्वल 1 लिखेंगे, तो n इक्वल 1 लिखने पर यहां n की जगह 1 1 आ जाएगा, तो आपके पास ये सॉल्व करने पर जो मैट्रिक्स आएगी वो a आएगी, a cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha। इसका मतलब ये आपको ये दिख रही है। तो n इक्वल 1 लेने पर जब इसको सोल्व किया गया, इसको चेक किया गया, तो आपको यही मैट्रिक्स मिल रही है, यही वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब अपन ने जो n इक्वल 1 लिया वो इस स्टेटमेंट के लिए वो n इक्वल 1 से क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो हम लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल 1। अब हम n इक्वल 1 के लिए अगर वो पहले से ही अगर ट्रू है तो अपन इमेजिनिंग करके लिखते हैं कि वो n इक्वल k के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो हम क्या करते हैं, यही लेते हैं ये वाला, इसमें
एन की जगह के लगा देते हैं, अंदर भी के आ जाता है और उसको इक्वेशन नंबर वन देते हैं। ये वन के लिए ट्रू होगा तो एन इक्वल के लिए भी ट्रू इमेजिंग करके लिखते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या है, अब हम एन की वैल्यू लेंगे के प्लस वन। तो एन की वैल्यू के प्लस वन लेने पर यहाँ के इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं, ए और ए के, यानी जब एस इक्वल हो तो पावर एड हो जाती है, तो ये वापस जुड़ के क्या हो जाएगा, ए की पावर के प्लस वन। अब आप यहाँ देखोगे तो ए मैट्रिक्स जो आपके पास थी वो लिखेंगे, ए के जो इक्वेशन नंबर वन था वो आप यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मैंने आपको पहले सिखाया था कि इस वाले का रो, इस वाले के कॉलम और कॉलम से लेके आपको यहाँ अलग अलग इस तरह से प्लस की फॉर्म में लिखना है। तो कॉस अल्फा कॉस के अल्फा या फिर प्लस करके लिखेंगे, साइन अल्फा माइनस साइन के अल्फा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये वही हो जाएगी। इसी तरह इसका हम अब इसे करेंगे, ये लिखेंगे, फिर इस वाली वैल्यू को हम इसे करेंगे ये चीज आएगी, इस वाली वैल्यू को हम इसे करेंगे ये आएगी। इस तरह से ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में चार एलिमेंट आ जाएंगे। अब हम ये जो देखते हैं, ये आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 11 क्लास में पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन था पिछले वाले वीडियो में भी अपन ने देखे थे, ये कुछ फॉर्मूले मिल रहे हैं। अब हमें ये किसके फॉर्म में मिल रहे हैं तो देख सकते हैं आप, कॉस अल्फा साइन कॉस अल्फा कॉस के अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन के अल्फा। तो आपने पढ़ा था कॉस अल्फा या कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी होता है, तो हम यहाँ इसको ए प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे, ए अपना यहाँ अल्फा हो जाएगा, बी अपना के अल्फा हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन ए साइन बी, तो हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा, तो साइन ए बी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लिया, फिर यहाँ लेने पर आपका यहाँ प्लस वाला बन जाएगा, तो प्लस वाला साइन के अल्फा प्लस के अल्फा हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। फिर इसी तरह ये मिलेगा आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का, ये मिल जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अल्फा कॉमन लेंगे, अल्फा कॉमन लेने के बाद देखोगे तो वैल्यू आएगी कॉस के प्लस वन अल्फा, इधर आएगी कोसाइन के प्लस वन अल्फा, इधर आएगी माइनस साइन के प्लस वन अल्फा, इधर आएगी कोस के प्लस वन अल्फा। अब आप यहाँ देख सकते हैं जब हमने एन के ऊपर के प्लस वन लिया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स जो आई है उसकी जो एलिमेंट आए हैं वो भी वही एन लेने पर आ गए, यानी कि कोस एन अल्फा हुआ। इस तरह से हम देख सकते हैं ये एन प्लस वन के लिए भी ये ट्रू हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि n के लिए कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं, n इक्वल वन ले रहे हैं, n इक्वल k ले रहे हैं, n इक्वल k प्लस वन ले रहे हैं, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ये गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। आगे वाले पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।